दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। RTI एक्टिविस्ट ने खोली है RSS की पोल, ED और मोदी सरकार की मिलीभगत दोस्तों सामने निकल के आई है खबर। जानते हैं क्या कुछ मामला है। RSS के गलत कामों पर मूक दर्शक बनी बैठी है ED। एक साल भी ठंडे बस्ते में है संघ के खिलाफ दर्ज केस। RSS मामलों के जानकार और RTI एक्टिविस्ट मोहिनीश जबलपुरे ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद RSS और मोदी सरकार की ED के साथ मिलीभगत सामने निकल के आई है। RSS मामलों के जानकार कहते हैं कि देश के कई हिस्सों में बैंक खातों के साथ समाज अधिनियम के तहत हजारों RSS के सहयोगी पंजीकृत हैं। वे संगठनों, लोगों और NRI से धन प्राप्त करते हैं और इस फंड का इस्तेमाल संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए किया जाता है। लेकिन जब इसी ED को BJP के मूल संगठन RSS से संबंधित गलत कामों की शिकायत की जाती है, तो उस दौरान ED मूक दर्शक का काम करती है। ये आरोप नागपुर के सामाजिक और RTI कार्यकर्ता मोहनीश जबलपुरे ने लगाया है। जबलपुरे ने एक साल पहले 2021 में ED के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 2020 में कोरोना वायरस महामारी के दौरान RSS द्वारा की गई सेवा की जाँच की मांग की गई थी। ये दोस्तों यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता ने बड़ा खुलासा किया है कैसे RSS और BJP केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये बड़ी खबर निकल के आई इस समय की ब्रेकिंग न्यूज़। ED और मोदी सरकार की मिलीभगत एक बार फिर से सामने निकल के आई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए